टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आत्मनिर्भर भारत के तहत एक जिला एक उत्पाद में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का चयन प्याज की फसल के लिए हुआ है। योजना के तहत किसानों को प्याज की फसल के लिए प्रोत्साहित करना और प्याज के उत्पाद को देश भर में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत उत्पादन बढ़ने पर ना तो प्याज स्टोरेज के लिए गोदामों की व्यवस्था है, ना ही प्याज को लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर है। उद्यानिकी विभाग द्वारा कुछ किसानों से योजना के तहत गोदाम जरूर स्वीकृत किए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। वहीं प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 30 से ज्यादा फाइलें बैंकों में एक साल से धूल खा रही हैं। उद्यानिकी फसलों में प्याज को सबसे संवेदनशील फसल माना जाता है। भाव मिलने पर यह प्याज लोगों को रुला देती है और बेभाव होने पर किसानों को। जिले में प्याज का करीब 20,000 हेक्टेयर का रकबा है, जिसमें प्रमुख रूप से खंडवा, पंधाना और सिंगोट बेल्ट में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है। साल में 3 बार होने वाली प्याज की फसल में पूरे साल लगभग 2.5 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन होता है। प्याज उत्पादन के मुकाबले जिले में प्याज स्टोरेज के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। कुछ किसानों के पास जरूर छोटे छोटे गोदाम बने हुए हैं, जिसमें वे प्याज स्टोरेज करते हैं। अधिकतर किसानों को बाहर की मंडी में प्याज बेचना पड़ता है। भाव नहीं मिलने पर कई बार प्याज सड़ने से किसानों को अक्सर नुकसान भी उठाना पड़ता है। योजना के तहत जिले में प्याज का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जिले में कुल 42 किसानों के पास छोटे छोटे करीब 5 मेट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम है, जिसमें किसान स्वयं अपना प्याज ही रख पाता है। गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा प्याज होता है। जिले में प्याज भंडारण के लिए 50-50 मेट्रिक टन के करीब 200 गोदामों की जरूरत है, जिसके बाद ही जिले में प्याज के भरपूर उत्पादन के बाद स्टोरेज होने पर सही समय पर किसान प्याज बेच सकता है। उद्यानिकी विभाग द्वारा 40 किसानों को 1.75 लाख के गोदाम स्वीकृत किए हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना में फसल की प्रोसेसिंग का भी प्रावधान है। उद्यानिकी विभाग के पास ना तो शासकीय गोदाम बनाने ना शासकीय प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कोई योजना है। इसके लिए किसानों को ही सब्सिडी के माध्यम से गोदाम और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने को कहा जा रहा है। इसमें भी बैंक किसान को प्रोसेसिंग यूनिट के लिए लोन देने से कतरा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 30 से ज्यादा किसानों की फाइलें विभिन्न बैंकों में पिछले एक साल से धूल खा रही हैं, जबकि कलेक्टर द्वारा भी कई बार बैंकों को लोन स्वीकृत करने को बोला जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।